एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार वैसे आज का व्लॉग बनाने का मन तो नहीं है, बट चीज़ें कुछ ऐसी हो गई हैं जिस वजह से यार हम सारे मजबूर हो गए हैं व्लॉग बनाने के लिए। सही बात बताऊं यार, आज ना कुछ अलग सा ही एक व्लॉग डालने का मन था। मन इन अ सेंस कि आज, हालांकि मैं ये वाला व्लॉग आज डाल रहा हूँ, बट ये वाला व्लॉग आज डलना नहीं था। इससे बेटर व्लॉग डलना था जो कि ऑलरेडी बन चुका है। इतना उसमें मतलब आप लोगों के लिए, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोग जानते हो यार, क्या बोलूँ यार, मतलब यार एक भाई की डेथ हो गई है और दुनिया जहान की उस बंदे के ऊपर आप लोग वीडियोस बना रहे हो यार। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं है कि भाई क्या है आप बता दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज यू आर मेकिंग द वीडियो ऑफ द पर्सन। मतलब यार आप देखो ना यार, उस बंदे को गए अभी कितना टाइम हुआ है एंड आपको पता भी नहीं है आप उसकी वीडियो के साथ कौन सा क्लिप अटैच कर रहे हो, और वो क्लिप भी इतने वायरल हो रहे हैं और लोग भी बेवकूफों की तरह देखे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक्चुअल कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को नेगेटिविटी में इंटरेस्ट है। यस यार, दिस इज ट्रू, नेगेटिविटी फैलती है और इसी चीज का जो फायदा है यूट्यूबर्स उठा रहे हैं। क्यों कर रहे हो यार, पीछे अपना जट भाई जटप्रभ जो है, पीछे उसका एक्सीडेंट हुआ, इंडिया छोड़ो नेपाल में उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ और नेपाल के लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी। जो बंदा नेपाल से इतना ज्यादा प्यार करता है, बार बार नेपाल जाता है, एक्सप्लोर करता है, नेपाल को प्रमोट कर रहा है, एंड नेपाल के लोग उसकी वीडियो बना के नेगेटिविटी फैला रहे हैं। यार चल क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही आप लोग कर क्या रहे हो यार। आपको अगर मैं बेसिकली एक चीज आपको मैं बता दूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं जो आपको, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हम लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं, जो हम लोगों के फैंस हैं, ये उन सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के लिए है जिनके अंदर खुद कुछ नहीं है काम करने का, किसी की डेथ के ऊपर वीडियो बना के जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यू यू आर मेकिंग डैम बुलशिट फकिंग वीडियोस। यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन, समझ नहीं आ रहा यार। मतलब अब तो यार अभी तो मतलब अब मेरा भी मन नहीं, आई जस्ट वॉन्ट, मेरा तो मन कर रहा है साला चैनल ही डिलीट कर दूं, ऐसी के तैसी गई यार कॉन्टेंट की। आप लोग अगर ऐसे ये सब चीजें करोगे तो भाई साहब कैसे चलेगा। कोई बंदा कुछ कह रहा है कि साला वो 300 की स्पीड पे बाइक चला रहा है, अरे आपको पता है वो 300 की स्पीड पे बाइक चला रहा है, आपने देखा है क्या जाके, अभी तक उसकी फुटेज नहीं आई है। कल रात को एक भाई का वीडियो आया है, उस भाई के चैनल का नाम है Z900 राइडर नाम से है, ठीक है। उस बंदे ने इतना क्लियरली मेंशन करके सारी चीजें आप लोगों को बोली हैं। यार एक बंदे की बात पे आप लोग विश्वास करो ना, कल उस बंदे ने आपको जो Z900 राइडर है, कल उस बंदे ने आपको उसकी जो लास्ट जो राइड से जो उन भाई का, अगस्त्य भाई का जो अंतिम संस्कार हुआ था, उस तक की वीडियो आप तक पहुंचाई। तो जाहिर सी बात है ना, वो बंदा अगस्त्य भाई के कितना क्लोज होगा, वो बंदा अगस्त्य भाई के घर जाकर आया, तो आप उसके चैनल को जाके फॉलो करो ना कि वहां से क्या अपडेट्स आ रहे हैं। आप उल्टी सीधी आसाम की पता नहीं कहां कहां की आप लोग वीडियो बना रहे हो, कोई बंदा डिवाइडर से टकरा गया, उसकी बाइक उछलते हुए गिर गई, उस लिंक को, उस क्लिप को आपने अगस्त्य भाई के साथ जोड़ दिया एंड यू आर लाइक कि यार अगस्त्य भाई 300 की स्पीड पर चल रहा है और उसका यार डिवाइडर पर बाइक पलट गई। यार थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, 300 छोड़ो, आप 100 की स्पीड में बाइक ठोक के देख लो, आपको पता लग जाएगा बाइक का क्या हाल होता है। और 100 तो बहुत बड़ी बात है यार, आप लोग जानते हो मेरे पास अभी रॉयल इनफील्ड, मैं हिमालयन चलाता हूँ, इससे पहले मेरे पास कौन सी बाइक थी आप सब जानते हो, मेरे पास थी ना FZ, उस FZ का भी एक दिन एक्सीडेंट हुआ था और पता है मेरी कितनी स्पीड थी, मैक्स टू मैक्स 60 की स्पीड थी और मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैंने ब्रेक मारी थी, मेरी बाइक स्लिप कर गई थी, और जब मैंने ब्रेक मारी थी तो बाइक जो थी ना वो थोड़ी स्लो होकर स्लिप करी थी, उसके बावजूद भी मेरी बाइक की ऐसी तैसी फिर गई थी। अब मैं यहाँ पे बाइक, क्योंकि अब मेरे को पता है इस वीडियो, इस मेरे स्टेटमेंट पे भी लोग इस चीज को कंपेयर करेंगे कि मैं FZ की बात कर रहा हूँ, कहाँ FZ कहाँ निंजा। अबे दिमाग लगाओ यार, अगर 100 की स्पीड में अगर आप बाइक को ठोकोगे ना, ऐसी तैसी फिर जाएगी बाइक की। और वो भाई तो यार, बाइक देखी आपने उसकी, एकदम ठीक ठाक बाइक खड़ी है, छोटा सा थोड़ा सा आगे से डैमेज हुआ है, थोड़ा सा पीछे से डैमेज हुआ है, किसी ने बोल दिया जी, किसी ने कोई गलत क्लिप डाल दी उसके नाम के आगे, आपने लगा दिया कि वो उड़ता हुआ गिरा है, और सारे पागल हो गए भाई साहब, सारे पागल हो गए व्यूज के लिए। भाई अगर ऐसे काम करना है ना, तो सालो लानत है तुम लोगों पे, तुम यूट्यूबर्स पे लानत है, अगर तुम किसी की डेथ के ऊपर ऐसी वीडियोस बना रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। थोड़ा तो मैच्योर हो जाओ यार, थोड़ा तो कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ यार, जो मर्जी करो, दुनिया जहान की चीजें करो, किसने रोका यार, तुम किसी का नाम लेके कैसे कर सकते हो यार। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आप लोगों ने कभी देखा है क्या? आपने कभी जटप्रभ जोत को देखा कि किसी का नाम लेके वीडियो बना रहा है, कभी देखा है क्या? JS वाजी को देखा है क्या? UK07 राइडर को आपने कभी देखा है? इतने सारे लोग हैं, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट डाल रहे हैं, अपनी मेहनत से डाल रहे हैं, इतनी मेहनत मजदूरी करके आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं, उन लोगों को देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं कि यार अगर ये लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते।
यार आप लोग तो यार उनके पीछे ही लग गए हुए, मतलब यार चल क्या रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही यार। आप लोगों से ना मेरी ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर दम है ना वहां पे, दम है ना, तुम पता है ना मैं किस जगह की बात कर रहा हूं, अगर वहां दम है ना तो एक्चुअल कंटेंट बना के व्यूज पाके दिखाओ तो मानू। किसी की डेथ के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो जिसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया कि वो बिचारा भाई गया कैसे है, आप लोग अंडरस्टैंड बोल रहे हो यार, उसकी फैमिली देखो यार, वो अपने मम्मी पापा का इकलौता, क्या बोलूं यार मैं, मतलब इस दुख भरे मतलब टाइम में ना लोगों को सपोर्ट दिखाना चाहिए, एंड आप लोग जस्ट व्यूज के लिए कुछ भी बोली जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। एंड मैं स्पेसिफिकली अगस्त्य भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जट प्रज्योत भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था भाई, आपने उसको भी नहीं छोड़ा, और ये आपने यूके अनुराग भाई, UK07 राइडर भाई, भगवान के आशीर्वाद से सब स्मूथ चल रहा है, आप तो इसको भी नहीं छोड़ रहे हो भाई, क्या बोलूं यार, मतलब आप कर क्या रहे हो भाई। आप लोग यूट्यूबर्स हो, आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो, भगवान आपको बहुत तरक्की दे, बट किसी के नाम पे क्यों ले रहे हो तरक्की भाई, अपना जिगरा है तो खुद कुछ करके दिखाओ ना यार। क्या हमें, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आती कि हम किसी का नाम जोड़ के, अपार्ट फ्रॉम किसी की कोई डेथ हो जाए, हमारा मन नहीं करता कि किसी की कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर व्यूज का मैं कर नहीं सकता क्या, बट क्यों नहीं कर रहे भाई, क्योंकि नहीं जाना ना हम लोगों ने इस काम में, जो करना अपने दम पे करना है, जैसे जट प्रज्योत ने अपने दम पे किया, अनुराग UK07 ने अपने दम पे किया, Z900 राइडर ने अपने दम पे किया, JS बाजी ने अपने दम पे किया, ठीक है वहां मुंबई चले जाओ तो सलीम भाई ने अपने दम पे किया। तो यार आप लोगों को क्या है, दम नहीं है क्या आप लोगों में, साला वीडियो बनाने का मन नहीं करता यार ऐसे लोगों से, साले जब रिएक्शन आने लग जाते हैं ना, मतलब समझ नहीं आ रहा यार, आपको बस व्यूज चाहिए, बाहर में जाए किसी की डेथ, बाहर में जाए किसी का एक्सीडेंट, चाहे नेपाल में हुआ हो, चाहे काठमांडू में हुआ हो, चाहे कोई बंदा अपने, कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया हो, चाहे किसी की डेथ हो गई हो, वो सब बाहर में जाए, आपको अपने व्यूज से मतलब है। पता है यही वजह होती है कि क्यों लोगों के घरों में, आप जैसे लोगों के घरों में बरकत नहीं होती, सिर्फ यही वजह है, क्योंकि जो कर्म है ना, बस समझ जाओ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर अभी भी अगर कुछ अक्कल के, जो क्या बोलूं, अक्कल के दरवाजे खुले हो ना, तो अभी भी समझ जाओ, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं है, ये साले उन सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के लिए है। मैंने को, मुझे यह बस कुछ नहीं कहना, मेरा बस एक छोटा सा मैसेज है अगस्त्य भाई के लिए, अंकल जी के लिए, अगर ये वीडियो अंकल जी तक पहुंचती है, अंकल आपको किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हम सारे आपके साथ खड़े हैं इस दुख भरे टाइम में, सुख में तो नहीं आ सके बट दुख में आपके साथ हम लोग जरूर खड़े होंगे। लिटरली मैन बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं वो फीलिंग समझ सकता हूं यार, मैं भी इकलौता बच्चा हूं अपने माँ बाप का, डेथ होना तो भाई दूर की बात है, मैं अगर दिल्ली छोड़ के कहीं बाहर चला जाऊं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कंस्ट्रक्शन में, आई एम इनटू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंटीरियर आर्किटेक्चर मेरा काम है, तो अगर मैं दिल्ली छोड़ के भी बाहर चला जाऊं तो भाई साहब मेरी माता की हालत, भाई साहब मतलब इट वॉज द टाइम वेन आई वेंट टू मुंबई, जब मैं मुंबई गया था अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, एंड वहाँ पर मैंने 1.5 से 2 महीने बिताए थे, तो मेरी मदर रोज मुझे कॉल करती थी रोज, एंड मैं इतना इरिटेट हो गया था कि मम्मा यार इतना फ़ोन मत किया करो, मैं मीटिंग्स में हूँ, तो यू नो व्हाट माई मदर सेड उस टाइम पे, मेरी मम्मी ने कहा बेटा तो सुबह हेलो बोल के मुझे फ़ोन काट दिया कर, मेरे दिल को सुकून मिल जाया करेगा, बस तू हेलो बोल दिया अगर फ़ोन काट दिया कर, तो मैं ये सोच रहा हूँ यार भगवान के आशीर्वाद से अभी तो वी आर अलाइव, एंड मतलब मैं बींग अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, अगर मैं दिल्ली मतलब आउट ऑफ दिल्ली के ट्रैवल करता हूँ, तो मेरी माता की क्या हालत होती है यार, वो बच्चा तो यार चला गया, सोचो उसकी फैमिली को कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा यार, सोचने वाली बात है, बट वही वाली बात है ना यार, कुछ लोग तो भाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज यार, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा मतलब भरा हुआ हूँ, मेरा निकलने आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बुरा हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था यार, होने को कौन रोक सकता, बस यही है कि उनकी फैमिली को इस समय सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यार वी आर देयर विद हिज फैमिली, कोई प्रॉब्लम हो तो वी आर देयर, हम अंकल के साथ रहेंगे हमेशा हमेशा रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ नहीं आता यार कितनी दुनिया के बारे में क्या बोलूँ, लोग कैसे कैसे काम करते हैं यार, कल जट प्रज्योत था, आज अगस्त्य भाई है,
कल को भगवान ना करे कोई और यूट्यूबर आता है, या अगर मैं ही होता हूँ, अगर मेरे साथ भगवान ना करे कोई अनहोनी होती है, साला ये लोग तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ा दिमाग खराब साला तुम्हारा ये न्यूज़ वाले, अखबार वाले। अबे भाई पहले देखो तो सही, न्यूज़ कुछ नहीं यार, कुछ नहीं बोलना।